हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। आफ्टर सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद हम अपना न्यू चैप्टर हम इसमें करेंगे। अभी तक हमने किया था लास्ट अपने किया था 15 चैप्टर रेलवे एंड बस टाइम टेबल्स। आज हम करेंगे अपना एरिया एंड पैरीमीटर। सो ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर है आपका 115, लेसन नंबर है आपका 16, एरिया एंड पैरीमीटर। कंसेप्ट हम देखेंगे एरिया। तो एरिया क्या होता है? वी ऑफन यूज अ स्टेटमेंट सच एज देयर इज अ नॉट इनफ फ्लोर स्पेस इन द रूम फॉर 20% टू सिट, और द टॉप सर्फेस ऑफ डाइनिंग टेबल इज लार्जर दैन दैट ऑफ अ सेंट्रल टेबल। द वर्ड्स फ्लोर स्पेस एंड सर्फेस इन द अबव स्टेटमेंट इंडिकेट द अमाउंट सर्फेस इन अ क्लोज प्लेन फिगर। दिस सर्फेस इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब यहाँ पे देखिए, एरिया को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो यानी कि आप जैसे आपका कमरा है, आपका कोई रूम है, उसमें आप देखते हैं कि एक टेबल रखी हो सकती है, आपका बेड उसमें रखा हो सकता है, और कुछ स्पेस उसमें क्या होता है, फ्री होता है, जहाँ पे आपका कुछ सामान नहीं होता। तो अगर हम बोलें कि अगर आपका सपोज़ करें ये एक रूम है आपका इस तरीके से, और उस रूम में सिर्फ इतना एरिया क्या है, ये आपका ढका हुआ है, यानी कि इसको उस सोफ़ा हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, उसने क्या करा है इसको घेर के रखा है, तो जो ये घिरा हुआ पोर्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एरिया, यानी कि उसका क्षेत्रफल, कि कितना उस एरिया को घेर के रखा है, वही क्या होता है आपका एरिया। यहाँ पे आपके डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। द एरिया ऑफ अ फिगर इज द नंबर ऑफ टाइम द यूनिट स्क्वायर इज कंटेन इन द फिगर, यानी कि उस फिगर में कितना नंबर ऑफ, जो यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये स्क्वायरली है आपका, इसमें आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, अलग अलग शेप के आप अपने रूम में रखते हैं, किसी टेबल की शेप या किसी बेड की शेप आपके अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं। तो उसका एरिया आप किस तरीके से हम निकालेंगे कि उस एरिया को, उस जगह को कितना घिरा घेर रखा है उस सामान ने, ठीक है। यहाँ पर आप जो मेजरमेंट ऑफ एरिया जो यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, और आपका वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल लाइन में हो सकता है। यहाँ पे तो आप फिगर की फॉर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये आपका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि आपका ये इसकी जो आपको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्क्वायर शेप वो उनकी लेंथ ब्रेथ क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर आपका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है तो इसका ब्रेथ भी सेंटीमीटर है। जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपको छोटा सा कंसेप्ट आपने अभी देखना है, आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपके अलग अलग एरिया आपको निकालने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप बेसिकली आपका यहाँ पर जो चैप्टर है वो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे आपको शेप्स मिलेंगे जिसका आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ शीट है, ग्राफ शीट आपने देखी होगी, आपके जो साइंस की कॉपी होती है उसके पीछे आपने इस तरीके का एक पेज देखा होगा जिसमें इस तरीके का आपका क्या बना होता है, एक ग्राफ पेपर होता है। इस तरीके से आपके इसमें खाने बने होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि इस जो आपका ग्राफ पेपर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर शेप है आपका, इतना एरिया स्क्वायर शेप से ढका है। यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके की एक शेप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, यहाँ पे आपके इस तरीके से शेप हैं। तो अलग अलग शेप ने अलग अलग आप जो आपका ग्राफ शीट है उसको क्या कर रखा है, ढका है। तो यही इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, यानी कि स्क्वायर का इतना क्षेत्रफल हो गया, सर्कल का इतना क्षेत्रफल हो गया एरिया, ये आपका क्या है, आपका ट्रायंगल है, ये आपके शेप है आपका ट्रेपेजियम। तो अलग अलग शेप आप का यहाँ पे क्या है, एरिया, यानी कि जो हिस्सा ढका होता है किसी सरफेस का, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो ये हम इसमें आपका फॉर्मूले हमारा होता है, यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से हम इसके जो एरिया है उसको हम निकालेंगे। तो ये हम नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें हम करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो आपकी शेप्स हैं इस तरीके से आपका किसी भी सरफेस का, किसी भी सतह को जो ढका होता है पोर्शन, तो उसे जैसे ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप एक जो स्क्वायर है, तो इस ग्राफ शीट में आपका इतना जो पोर्शन, ये जो ढका वाला पोर्शन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एरिया। तो एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। इतना ये हिस्सा जो ढका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो अभी आपने सिर्फ इतना ही इसको पढ़ेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में उसमें जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे थ्रू इसके जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं, तब आपको और अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। सो थैंक यू क्लास।